हे गाइस, आप लोग कैसे हो? टेक समवन यूट्यूब चैनल से मैं सम्राट। तो मी 11 लाइट जब लॉन्च किया था, हम लोग बोला था ये फोन ओवर प्राइस्ड है। सच में ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि 22,000 रुपया थोड़ा ज्यादा ही लग रहा है, क्योंकि इस बजट में रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स की तरफ फोन मिल रहा है 20,000 रुपया में। बट अगर देखा जाए तो इस फोन में सच में कुछ प्रीमियम फीचर है, जिसके लिए देखा जाए तो ये फोन ठीक भी है। एंड इसके साथ ये फोन का वेट भी देखा जाए तो 160 ग्राम का भी नीचे देखने को मिल रहा है। सब कुछ लेकर ये एक थोड़ा अलग किस्म का फोन है। एंड ये फोन में कुछ अच्छा अच्छा फीचर देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर Xiaomi की तरफ से एक हाईलाइटेड किया गया 10-bit डिस्प्ले। तो हम लोग ये वीडियो में बोलेंगे क्या है 10-bit डिस्प्ले, किस तरह से काम करते हैं। आज के दिन में आपको नॉर्मल जो 8-bit का डिस्प्ले देखने को मिलता है, इसके साथ आपको किस तरह का डिफरेंस देखने को मिलता है, एंड सच में क्या बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है या नहीं है ये जानने को मिल जाएगा। एंड ये जानना इसलिए जरूरी है 10-bit डिस्प्ले किस तरह से काम करता है क्या है, बिकॉज ऑफ नियर फ्यूचर आपको जो है एंट्री लेवल से बजट सेगमेंट के अंदर 10-bit डिस्प्ले का काफी फोन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक मार्केट का गिमिक होने वाला है बहुत ही जल्द इस तरह का एक स्पेशल फीचर के नाम से। तो चलिए वीडियो कंप्लीट देख लेते कैसे काम करते हैं 10-bit डिस्प्ले, क्या है ये 10-bit डिस्प्ले। हम लोग जब कोई फोटो क्लिक करते हैं कैमरा से, तो कैमरा का सेंसर के अंदर लाइट आकर रिफ्लेक्ट करते हैं, तब जाकर एक फोटो क्लिक हो जाता है। एंड फोटो क्लिक करने के बाद ये फोटो को डिजिटल फॉर्म में हम लोगों को प्रोसेसर क्या करता है, कन्वर्ट करता है, इसको जो है मेमोरी के अंदर रख देते हैं। बट प्रोसेसर को पता नहीं चलता ये फोटो के क्या कलर है, किस तरह से फोटो है, यह कुछ भी प्रोसेसर को पता है एक ही चीज 0 और 1। प्रोसेसर जो काम करते हैं वो 0 और 1 ये फॉर्म में काम करते हैं। 0 का मतलब ऑफ एंड 1 का मतलब ऑन, एंड इसको ही बोला जाता है बाइनरी फॉर्म। एंड आप दुनिया में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट यूज करते हो, इसमें इस तरह से डिजिटली काम होता है। अंदर में ऊपर में आप जो भी देख ले तो ठीक है, बट अंदर में 0 और 1 इस फॉर्म में काम करते हैं, इसको ही बोला जाता है बाइनरी फॉर्म। एंड ये बाइनरी के 0 और 1 जो है इसको बोला जाता है बिट। तो एक बीट मतलब जो है आपको 2^1 मतलब जो है 1 बीट, जिधर आपको एक 0 और 1 मतलब 1 या 0 देखने को मिलेगा। सेम टाइम 2 बीट की मतलब 2^4 मतलब इधर जो है आपको 2 1 2 0 आपको देखने को मिल जाएगा, जिधर आपको टोटल कॉम्बाइन ऑफ 4 नंबर आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे 1 1 0 0 1 0 0 1, इस तरह से आप 4 टाइप का कॉम्बाइन ऑफ नंबर आप बना सकते हैं। तो दोस्तों सेम टाइम 8-bit का मतलब जो है 2^8 मतलब 8 1 और 8 0 का कॉम्बाइन में जितना सारा हम लोग नंबर बना सकते हैं, इसको बोला जाता है 8-bit का नंबर। एंड 8-bit में जो है आपको मैक्सिमम 256 कॉम्बाइन ऑफ नंबर आपको बनते हुए देखने को मिल जाएगा। सेम टाइम 10-bit में जो है ऑब्वियसली 2^10 देखने को मिलेगा, मतलब 10 1 और 10 0 आपको देखने को मिल जाएगा इधर। एंड इसका कॉम्बाइन में आपको 10 24 मतलब 1024 आपको कॉम्बाइन ऑफ अलग अलग नंबर देखने को मिल सकता है। एंड सेम टाइम अगर आप जानेंगे, हम लोग जो भी पिक्चर एंड फोटो देखते हैं, इवन आप जो भी चीज देखते हैं, इधर जो आपको 3 कलर देखने को मिलता है मेनली RGB मतलब रेड ग्रीन ब्लू। एंड रेड ग्रीन एंड ब्लू का अलग अलग वैल्यू से कॉम्बाइन करके जो है आपको तरह तरह का कलर देखने को मिलता है, वो येलो बोलिए, पर्पल बोलिए, सियान बोलिए, कोई भी कलर आप देख लीजिए, हर एक कलर का जो बेस है वो RGB मतलब रेड ग्रीन एंड ब्लू है। इसका अलग अलग वैल्यू को अलग से अगर आप मैच करेंगे तो एक नया कलर आपको देखने को मिल जाएगा। सेम टाइम जो 8-bit का कलर होता है, मतलब 8-bit का कलर के अंदर जो है आपको रेड का वैल्यू देखने को मिलता है 256, ग्रीन का वैल्यू देखने को मिलता है 256 एंड ब्लू का वैल्यू देखने को मिलता है 256 एंड इससे जो है आपको 16.7 मिलियन वैल्यू देखने को मिलता है। एंड इसलिए देखेंगे 8-bit का जो कलर हम लोगों को देखने को मिलता है, इधर जो है 16.7 मिलियन कलर ऑफ सेट देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप जो भी कलर देखेंगे हर एक कलर का सेट इसका अंदर आपको मौजूद देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो का बाकी पार्ट में जाने का पहले की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। आप लोग चैनल में वीडियो देख ले तो सब्सक्राइब नहीं करते, इसके लिए देखिए व्यूअर सिस्टर चैनल में सब्सक्राइबर का रेशियो 1% का आसपास चल रहा है। रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, तो आपको भी इस तरह वीडियो डेली बेसिस में मिलते रहेगा, हम लोगों को भी जो चैनल को ग्रो करने में हेल्प होगा। एंड इस तरह का टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो इसके लिए प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज ये वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, जितना ज्यादा लाइक होगा ना ये वीडियो उतना ही ज्यादा व्यू गेन करने में हेल्प होगा। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो का बाकी पार्ट। सेम टाइम 10-bit का कलर में हर एक कलर का आपको वैल्यू देखने को मिलता है 1024 यानी 1024 शेड ऑफ कलर आपको देखने को मिलेगा ईच कलर का, रेड का 1024, ग्रीन का 1024 एंड ब्लू का 1024। एंड तीनों का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1.07 बिलियन कलर का शेड आपको देखने को मिलता है। इसलिए देखेंगे 10-bit का जो कलर का होता है 8-bit से देखा जाए तो 64 टाइम मोर आपको कलर ऑफ शेड देखने को मिल जाएगा। एंड ऑब्वियसली 10-bit
पे ज्यादा कलर ऑफ शेड होने पर आप अगर कोई 10 बिट का एक वीडियो देखेंगे, नहीं तो पिक्चर देखेंगे एक 10 बिट डिस्प्ले के ऊपर, तो आपको ज्यादा कलर का डिटेलिंग नजर आएगा इधर, मतलब और भी डिटेल आपको देखने को मिलेगा कलर का, जो 8 बिट में देखने को मिलेगा नहीं। एंड इस मूवमेंट में आता है कलर बेंडिंग का एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। एंड कलर बेंडिंग बेसिकली क्या है? कलर बेंडिंग बेसिकली जो है, दोनों कलर के बीच में जो हम लोगों को कलर का जरूरत होता है एक स्मूथ ग्रेडियंट होने के लिए, जो नहीं होने पर जो एक लाइन क्रिएट हो जाता है दो कलर के बीच में, इसको बोला जाता है कलर बेंडिंग। एंड इसको अगर और भी अच्छे से आपको एग्जांपल की तौर पर दिखाओ, तो इधर देखिए कुछ पिक्चर भी हम लोग दिखा रहे हैं जिधर आप देख सकते हैं एक कलर से और एक कलर के बीच में आपको एक लाइन नजर आ रहा है, जिधर आपको ऑब्वियसली समझ में आ रहा है एक कलर से और एक कलर के बीच में और भी जो कलर होना चाहिए एक स्मूथ ट्रांजिशन होने के लिए ग्रेडियंट के लिए, जो मौजूद नहीं होने पर इधर आपको कलर का बेंडिंग देखने को मिल रहा है। एंड 8 बिट में ये चीज देखने को मिलता है, बट 10 बिट में जाकर आप अगर देखेंगे ये चीज उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। एंड इसका एग्जांपल की तौर पर हम लोग एक फोटो लिया फोटोशॉप के ऊपर, जिस फोटो का हम लोग जो है पिक्चर का क्वालिटी जो है बहुत ही कम कर दिया। एंड इसके बाद हम लोग क्या किया, ये सेम दो फोटो को, एक जो ओरिजिनल क्वालिटी एंड जिसका पिक्चर का क्वालिटी गिराकर हम लोग और एक वर्जन बनाया, दोनों को साइड बाय साइड रखकर अगर जूम करेंगे तो देख सकते हैं जो ओरिजिनल क्वालिटी का फोटो है इधर जो है आपको कलर जो बेंडिंग है ये बहुत ही कम देखने को मिल रहा है, बट जिसका क्वालिटी बहुत ही गिरा दिया क्वालिटी में, ये फोटो का अगर आप देखेंगे इधर आपको कलर बेंडिंग देखने को मिल रहा है बोके एरिया में, जिससे जो है इधर आपको पता चल रहा है इसको बोला जाता है कलर बेंडिंग। एंड 10 बिट का आपको कोई भी वीडियो एंड पिक्चर देखेंगे ये कलर बेंडिंग का जो प्रॉब्लम है ये आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है, ये एक बहुत ही ज्यादा एडवांटेज देखने को मिलता है 10 बिट का। बट दोस्तों 8 बिट का एंड 10 बिट के अंदर जो डिफरेंशिएट दिखाया जाता है मार्केटिंग के लिए हर एक ब्रांड की तरफ से, इवन आप अगर आप मी 11 लाइट का भी देखेंगे 10 बिट एंड 8 बिट डिस्प्ले का डिफरेंशिएट दिखाने के लिए जो मार्केटिंग किया जा रहा है, इस तरह से 10 बिट एंड 8 बिट जो क्वालिटी है क्वालिटी का डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। इसके लिए अगर आप एक 8 बिट का पिक्चर एंड 10 बिट का पिक्चर, नहीं तो 8 बिट का रिकॉर्ड हुआ वीडियो एंड 10 बिट का रिकॉर्ड हुआ वीडियो साइड बाय साइड देखेंगे, तब जाकर आपको पता चलेगा माइनर सा कुछ डिफरेंस। कुछ कुछ सेक्शन में ऐसा होता है एक कलर से और एक कलर के बीच में और भी कलर का जो डेटा है वो 8 बिट के पास नहीं रहता है 8 बिट कलर के पास, बट ये जो शेड ऑफ कलर का जरूरत है वो 10 बिट के पास रहने पर आपको और भी मोर एक्यूरेट कुछ कुछ शैडो एरिया नहीं तो कुछ हाईलाइट एरिया का सेक्शन में आपको इस तरह का देखने को मिल जाएगा। हालांकि हम लोग ट्राई करेंगे कुछ इधर वीडियो देने के लिए, क्योंकि मैं काफी सारा यूट्यूब में वीडियो ट्राई किया जिधर इस तरह का एग्जांपल हो, बट ठीक से नहीं मिला। बट जो डिफरेंस है यस, अगर आप साइड बाय साइड देखेंगे तो आपको इधर क्लियरली विजिबल हो जाएगा। तो दोस्तों अभी अगर आपका पास एक 10 बिट का डिस्प्ले है, वो टीवी हो सकता है नहीं तो मोबाइल फोन हो सकता है, इस मोमेंट में हम लोग सोचता है आपके पास एक मी 11 लाइट है, तो ये फोन कितना यूजेबल है आपके लिए? तो दोस्तों देखिए, अगर आप सोचते हैं ये फोन से सोशल मीडिया करेंगे और आपको 10 बिट डिस्प्ले का जो एडवांटेज है देखने को मिलेगा, ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया साइट जो हैवी कंप्रेशन के ऊपर काम करते हैं, तो आप जो भी फोटो या वीडियो पब्लिश करते हैं जब पब्लिश हो जाता है, होने का बाद जो वीडियो का क्वालिटी या पिक्चर का क्वालिटी काफी गिरते देखने को मिलेगा। इसके लिए आप देखेंगे आप फेसबुक में जो फोटो अपलोड करते हैं, अपलोड के टाइम जो पिक्चर का साइज आप अपलोड कर रहे हैं, बट अपलोड के बाद जब ये सेम फोटो को डाउनलोड करेंगे पिक्चर का साइज का क्वालिटी देखेंगे काफी कम हो जाता है, काफी कंप्रेस करके ये पिक्चर को दिखाया जाता है या आप डाउनलोड कर सकते। सेम टाइम अगर आप एक YouTube में वीडियो अपलोड कर रहे हैं 10 बिट का, बट इस मोमेंट में भी आपको 10 बिट का कोई एडवांटेज देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑफ YouTube जो है, YouTube भी जो है हैवी कंप्रेशन के ऊपर काम करते हैं। इसके लिए देखेंगे YouTube में जब आप एक वीडियो अपलोड करते हैं 2 GB का, जब बाद में आप ये सेम वीडियो को सेम टाइम डाउनलोड करने जाएंगे हाई रेजुलेशन के ऊपर, मतलब मैक्सिमम रेजुलेशन के ऊपर, हो सकता है आपको ये सेम फाइल आपको 400 या 500 MB के नीचे ही देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से कंप्रेशन होने पर 10 बिट का जो एडवांटेज आपको देखने को मिल सकता है, मिलना चाहिए था, वो चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट 10 बिट डिस्प्ले का एक एडवांटेज आप ले सकते हैं, मतलब अभी टाइम के अंदर अगर आप OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, हॉटस्टार, डिस्नी प्लस, इस तरह का OTT प्लेटफॉर्म को यूज करते, तो इस मामले में आप एक चीज बोल सकते हो, इधर जो है जो HDR कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है, नहीं तो 4K कंटेंट जो देखने को मिल रहा है, ये सब कंटेंट को अगर आप प्ले करेंगे HDR 10 बिट डिस्प्ले के बाद, तो आपको थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस देखने को मिलेगा। एंड ये डिफरेंशिएट आपको देखने के लिए साइड बाय साइड अगर आप दो फोन रखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, इसके लिए बड़ा डिस्प्ले की जरूरत है। हो सकता है आपको एक टीवी लेना पड़े या एक मॉनिटर लेना पड़े जिधर आपको बड़ा सा डिस्प्ले, तब जाकर आपको जो ये डिफरेंस पता चलेगा। एंड दोस्तों आपका पास अगर एक 10 बिट का डिस्प्ले है, बट जो वीडियो आप प्ले कर रहे हैं ये 8 बिट का,
तो आपको 10 बिट डिस्प्ले में 8 बिट वीडियो प्ले करने पर आपको कोई एडवांटेज देखने को नहीं मिलेगा। सेम चीज होता है अगर आपके पास एक 8 बिट का डिस्प्ले एंड प्ले कर रहे 10 बिट का वीडियो, तो भी जो है आपको 8 बिट का क्वालिटी में ये वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए जो है आपको 10 बिट का डिस्प्ले के ऊपर 10 बिट का ही वीडियो प्ले करना पड़ेगा। तो सब कुछ लेकर मुझको जो लगता है मी 11 लाइट में जो डिस्प्ले दिया गया, ये डिस्प्ले तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, बट उतना कोई काम का आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड इसका साथ मी 11 लाइट को अगर देखेंगे, ये फोन से अगर आप वीडियो रिकॉर्ड भी करने जाएंगे तो ये फोन में जो वीडियो रिकॉर्ड होगा वो 8 बिट में वीडियो रिकॉर्ड होगा। 10 बिट का वीडियो रिकॉर्ड का सपोर्ट अभी तक मुझको जो पता है दिया नहीं गया। एंड 10 बिट का अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो तो अभी तक मुझको जो पता है जो एप्पल का आईफोन 12 सीरीज है 12 मैक्स प्रो बा 12 मैक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये है 10 बिट रिलेटेड एक एक्सप्लेन टाइप का वीडियो। आई होप आपका वीडियो अच्छा लगा एंड हेल्पफुल भी हुआ। वीडियो अच्छा लगने पर प्लीज वीडियो में एक लाइक देकर हम लोग के वीडियो का लाइक टारगेट जो रखा गया 50 और जरूर फिल कीजिए। ये वीडियो रिगार्डिंग कुछ भी चीज जानना है फील फ्री होकर आप नीचे कमेंट कीजिए। एंड इस तरह का और भी अच्छा अच्छा टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो अगर आपको चाहिए कोई भी टॉपिक के ऊपर, फील फ्री होकर कमेंट कीजिए। आपका कमेंट का ऊपर बेस करके हम लोग फिर से इस तरह का वीडियो बनाने के लिए ट्राई करूंगा। चैनल में नाने पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, तो इस तरह वीडियो का फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ये वीडियो शेयर कीजिए फ्रेंड कलीग मेंबर फैमिली मेंबर के साथ। फिर एक नया वीडियो मुलाकात होने जा रहा है, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।